शायद आपको अच्छे आंसर्स लिखना आता हो, बहुत अच्छी बात है, पर उन्हीं अच्छे आंसर्स को एग्जाम के टाइम में एग्जाम शीट में लिखना डिफरेंट स्किल। और आज का वीडियो का टॉपिक यही रहेगा, इस पे डिस्कस करेंगे कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स होते हैं लोगों से एग्जाम पेपर में लिखने के लिए। एंड दैट्स ऑल प्रीटी मच, चलो शुरू करते हैं। इस मिस्टेक नंबर 1, मार्जिन्स। देखो यार, मार्जिन जब काट रहे हो, ठीक है, पहले इससे देखो तो समझ आएगा। मार्जिन जब काट रहे हो, ओके दैट्स गुड, ठीक है, पर जब काट रहे हो ना थोड़ा बड़ा करके काटो, मतलब जो सेम पे स्केल है, ठीक है, उसका फुल विड्थ लाके उसके बाद काट दीजिए, दैट्स अ गुड लिंक, ठीक है। और अगर बोर्ड में आया तो मार्जिन थोड़ा बड़ा करके लिखना, ऐसे करके, इससे तुम्हें कम लिखने चाहिए। ओके, मिस्टेक नंबर 2, आंसर गैप। देखो आंसर गैप मतलब क्या है कि सपोज आपने यहां से यहां तक लिखा, ठीक है, यहां तक लिखा, उसके बाद यू हैव टू लीव सम स्पेस फॉर द नेक्स्ट आंसर, ठीक है, तो कितना स्पेस छोड़े, 1 2। देखो 2 इज गुड, बट 3 जब छोड़ोगे ना तब वो एक्चुअली नीट लगता है। और अगर 3 लाइन छोड़ती है तुमने, तो सपोज याद आया रिवीजन के टाइम पे एक और पॉइंट था, तो जनरली एक पॉइंट एक लाइन में नहीं होता, ये सबको पता है, इसलिए 2 लाइन का सिर्फ एंड होता है, ठीक है, 3 लाइन छोड़ देना नेक्स्ट आंसर के बाद। दैट्स द थिंग, लोग कहते हैं कि यार कि वो लोग एक आंसर लिखते हैं, उसके बाद एक लाइन गैप छोड़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं, दैट लुक्स वेरी कंजस्टेड, ओके। और जब चेक करते हैं ना लोग, तो टीचिंग साइकोलॉजी के हिसाब से जब चेक करोगे तो ठीक नहीं लगता, माइंडसेट चेंज होता है। तो दैट्स द थिंग। नेक्स्ट अप इज कट थिंग्स। मतलब चलो आपका गलती हो गई, सपोज आपकी गलती हो गई यहाँ पे, ठीक है, एंड काटना है एक स्लैश, जस्ट एक स्लैश, उससे ज्यादा नहीं, एक स्लैश काट दिया, सेम पैरेलल स्लैशेस से काटो, कोई बात नहीं, पर ऐसे मत काटो, फिर बहुत गंदा लगता है, ठीक है। और अगर सपोज आपने ऐसा दिखा रहा हूँ, सपोज आपने ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है, ये लिखना नहीं चाहिए था, पर बहुत अगर ऐसे भी काटे तो थोड़ा अजीब लगता है कि नीचे से आंसर है, ठीक है। तो अब करना क्या है आपको कि एनसर्कल कर देना, ठीक है, ऐसा तक। तो ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 इज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स एक ऐसी चीज है लोगों को ज्यादा पता नहीं है, ठीक है। कीवर्ड्स हम इसलिए किसी कीवर्ड्स नहीं कह रहे, हम टेक्स्ट कीवर्ड्स कह रहे हैं, मतलब इंग्लिश या हिंदी में जो स्टोरीज के लाइन जो होते हैं ना, उनको जस्ट डायरेक्टली उठा के फेंक दो, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे ना तब जो चेक कर रहा है उनको पता चल जाएगा कि या इस बच्चे ने पढ़ के लिखा है, ठीक है, मतलब एक्चुअली पढ़ के लिखा है, रख के नहीं लिखा है, तो वही बात है। नंबर 5 इज वन वे डायग्राम। मतलब जब आप कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, लेबलिंग करते समय बस एक ही साइड पे करो, मतलब डायरेक्ट ऐसे करो, इसके बाय चांस ऐसे नहीं करो, मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है। तो यही था कि अजीब लगता है ऐसे करने से, तो दूसरी तरफ मत करो, तो ये हो गया। नंबर 6 इज ओवरराइटिंग मत करो और अंडरलाइन करो। मतलब देखो यार, सपोज हमें बोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, बोल्ड करने के लिए सपोज हम लिख रहे हैं, सपोज हमने एप्पल लिखा, एप्पल इज अ कीवर्ड, ठीक है, मतलब मेन चीज है। तो एप्पल को हम बोल्ड करने के बजाय एक्चुअली करो क्या कि इसको पेंसिल या पेन से अंडरलाइन कर दो, ठीक है, दैट लुक्स एक्चुअली बेटर। और सबको शायद पता भी ना चला कि आपने बोल्ड किया है, ठीक है, और बोल्ड करने से क्या होता है कि पीछे का है ना एक इंप्रेशन पड़ जाता है, जो पीछे का पेज जब चेक करोगे तो खराब दिखता है। तो दैट्स ऑल। और लास्टली 7 मिस्टेक इज रफ वर्क के लिए स्पेस ना रखना। ये मैथ्स में ज्यादा होता है, फिजिक्स में भी होता है कभी। तो जब रफ वर्क के लिए स्पेस रखो एमसीक्यू में, स्पेशली एमसीक्यूज में, तब एटलीस्ट हाफ ऑफ द पेज या उससे थोड़ा कम रखो, ज्यादा कम मत रखना, वरना रफ वर्क छोटे-छोटे में बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। एंड दैट्स ऑल प्रीटी मच। सो लेट्स रिकैप्चुलेट। फर्स्ट इज रफ वर्क के लिए जगह दो, नेक्स्ट इज अंडरलाइन करो, ओवरराइटिंग मत करना, उसके बाद लेबलिंग करते समय एक तरफ लेबलिंग करो, ठीक है, कीवर्ड्स इनपुट करो, थर्ड इज किचमिची करके मत काटना, मतलब ऐसे मत करना, डोंट स्क्रिबल, जस्ट एक स्लैश से काट देना, ठीक है, उसके बाद आंसर्स के बीच गैप रखना और मार्जिन का ध्यान रखना। वेल दैट्स ऑल, होप दिस वाज यूजफुल एंड प्रीटी मच दैट्स ऑल। सो अभी के लिए इतना ही, मजा आएगा अभी के लिए।